हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैंने आपको बोला था जब हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम हर उस रेलेवेंट पार्ट पे बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इंडिया में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो, गेट हो, ईएस हो, एसएससी, जेई हो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हम उस हर पार्ट को, हर उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज या थ्योरी, जब हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे साथ में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और अभी तक कैसे क्वेश्चन आए, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में। तो देखते हैं कैसे कैसे वेटेज वाइज, अगर मैं गेट में बात करूं तो वेटेज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो देखिएगा जरा, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। सेकंड मैं बोलूंगा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, और थर्ड है, जो थर्ड पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज रेलवे इंजीनियरिंग। इन तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है गेट के अकॉर्डिंग। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इन सब में जो तीनों पार्ट है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो हाईवे इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है। जैसे अभी आप अगर 2019 के गेट के क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूं तो गेट 2019 में आपका फर्स्ट सेट वन की बात करूं तो 11 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे हाईवे इंजीनियरिंग, मतलब टोटल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, और 9 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेट टू में पूछे गए, ठीक है। तो जिसमें उसमें भी जो ज़्यादा वेटेज जो कैरी कर रखा है वो हाईवे इंजीनियरिंग ने कैरी कर रखा है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे धीरे धीरे हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग को ब्रेक करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, किस क्वेश्चन किस पार्ट का ज्यादा वेटेज है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जरा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को कैसे, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। तो देखिए जरा, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अगर आप गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में आपसे केवल 2 या 3 टॉपिक पढ़ने के लिए बोला है उन्होंने। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रनवे लेंथ, ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रनवे लेंथ। सेकेंड जो बोला है उन्होंने आपके साथ पढ़ने के लिए, दैट इज टैक्सी वे, एंड थर्ड इज एग्जिट टैक्सी वे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेलवे इंजीनियरिंग की बात करूँ तो रेलवे इंजीनियरिंग में उन्होंने आपसे पढ़ने के लिए बोला है ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा केवल ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपसे बोला गया है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए। इसमें से आपको पता है कि अगर आप ये सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं इन लोगों का, तो आपको 1 to 2 marks जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मैक्सिमम इतने ही मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स का आएगा, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इनका जो वेटेज है बहुत कम है, तो आप इसका कम पोर्शन पढ़ के भी ईजिली वो मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि हाईवे इंजीनियरिंग का वेटेज ज्यादा है, तो हम सबसे पहले जो अपना वीडियो लेक्चर का सीरीज है उसमें हाईवे इंजीनियरिंग से डील करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग को किस किस पोर्शन में ब्रेक किया गया है। तो देखिएगा जरा यहां पे हाईवे इंजीनियरिंग को, जब मैं बात करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में तो हाईवे इंजीनियरिंग को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करा है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल डिजाइन, सेकेंड इज, जो सेकेंड पार्ट डिवाइड किया है, दैट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। थर्ड पार्ट जो डिवाइड किया है, दैट इज डिजाइन ऑफ पेवमेंट, और नेक्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला है, दैट इज मटेरियल्स, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब इन चार पार्ट्स में बोला है, डिवाइड किया गया है हमारे ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इंजीनियरिंग को, तो इनको अगर मैं वेटेज वाइज आपको बाइफरकेट करके बताऊं तो देखिए जरा, ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग का वेटेज, ज्योमेट्रिकल डिजाइन का वेटेज जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है हाईवे इंजीनियरिंग में, बात करूं मैं उसमें ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं ना कंपैरेटिवली बात करूं ज्योमेट्रिकल डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, तो ऑलमोस्ट 50-50% जो 40-40, इसका 40% इसका 40%, रिमेनिंग 10% जो आता है वो डिजाइन ऑफ पेमेंट और पेमेंट मटेरियल से आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर मैं वेटेज वाइज जैसे बात करूं, अगर प्रायोरिटी वाइज बात करूं, तो हम लोग इसी ऑर्डर में
इसको डिस्कस करेंगे अपने वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में। ये कुछ ऐसा होता है जो हम लोग जिस वे में मैंने स्टार को मार्क किया है वही इनका वेटेज होने वाला है। तो देखेंगे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन को कैसे ब्रेकआउट किया है, अलग अलग टॉपिक्स में ब्रेक किया है, वो आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल डिजाइन के बारे में कि कैसे हम लोगों ने हाईवे में ज्योमेट्रिकल डिजाइन को ब्रेक कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन को चार पार्ट्स में ब्रेक कर रखा है हम लोगों ने। तो उसमें है सबसे पहले जो मैं देखूंगा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में। तो देखिए जरा कौन कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट हैं जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, मैं बोल रहा हूँ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स जो है, सबसे पहला जो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट जो है वर्कआउट करता है दैट इज पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से पोर्शन आते हैं और हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा जरा मैं बोल रहा हूं आपसे पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, जो भी फिजिकल फीचर्स जो हम लोगों को दिखेंगे उनको हम लोग सबको पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपसे फ्रिक्शन के बारे में। जब हम बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रिक्शन हेल्प करता है आपको मूव करने में, कैसे ब्रेक लगाने में हेल्प करता है, कैसे कैसे गाड़ी के मूवमेंट और स्टॉप में हेल्प करता है आपको फ्रिक्शन। ठीक है, सेकंड मैं बात करूंगा स्किड एंड स्लिप के बारे में। तो स्किडिंग कैसे होती है, स्लिपिंग क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको केवल स्किड और स्लिप के बीच का डिफरेंस भी नहीं पता है। तो हम लोग हर पॉइंट को जीरो से लेके टॉप तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएं, है ना। हर पॉइंट को बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करने वाले हम। तो देखिएगा जरा स्किड एंड स्लिप देखेंगे, उसके बाद थर्ड जो देखेंगे हम लोग इसमें पेवमेंट अनइवननेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद बात करूंगा मैं, जब पेवमेंट अनइवननेस में बात करूंगा तो बताऊंगा कि कितना मॉड्यूलेशन हो सकता है, कितना अनइवननेस हो सकती है पेवमेंट में। अगर 126 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा है, कम है या उतना है तो हमारे लिए परफेक्ट पेवमेंट है वो ट्रैवल करने के लिए। अगर उससे ज़्यादा है तो क्या मैक्सिमम लिमिट हम लोग ले सकते हैं, क्या मिनिमम लिमिट ले सकते हैं, ये सारी बात करेंगे हम लोग पेवमेंट अनइवननेस के बारे में। थर्ड देखेंगे हम लोग लाइटनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम लोग बात करेंगे तो देखिए जरा लाइटनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखेंगे। लाइटनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो पूरा जो टॉप सरफेस है, जो पेवमेंट का सरफेस है, पूरा ब्लैक क्यों नहीं बना दिया जाता है, या साइड में हम लोग जो व्हाइट लाइन्स प्रोवाइड करते हैं वो क्यों प्रोवाइड की जाती है, या ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स व्हाइट लाइन की क्यों प्रोवाइड की जाती है, उनको क्या बोलते हैं, जैसे उनको रोड डेलिनेटर बोला जाता है, वो स्पेसिफिक टर्म्स जो स्टूडेंट को नहीं पता होती है वो सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे इन सब में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट, सेकंड जो है हम लोगों को ब्रेक किया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में, जो सेकंड ब्रेक है दैट इज कैम्बर। तो देखिए जरा हम लोग कैम्बर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो कैम्बर में जब भी हम बात करेंगे तो कैम्बर में मैं आपको बताऊंगा कि कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहला चीज कि क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि कैम्बर प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रेनेज के लिए, प्रोवाइड किया जाता है कि प्रॉपर ड्रेनेज हम लोग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके बाद कैम्बर में देखेंगे हम लोग कि कितना टाइप का कैम्बर होता है। जैसे कैम्बर में बोल रहा हूँ आपसे कि स्ट्रेट कैम्बर होगा, पैराबोलिक कैम्बर होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर होगा, ये सब कुछ बात करेंगे हम लोग कैम्बर में। और कैम्बर में साथ में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका कॉन्क्रीट रोड है ना, कॉन्क्रीट रोड है या हैवी बिटुमिनस रोड है, तो कितना हम लोग स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, हैवी रेनफॉल के लिए कितना हम लोग स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइट रेनफॉल के लिए जैसे 2% स्लोप प्रोवाइड करना है, हैवी रेनफॉल के लिए 1.7% प्रोवाइड करना है लाइट रेनफॉल के लिए, तो ये सारा चीज हम लोग कैम्बर में देखेंगे। सिमिलरली हम लोग देखेंगे लाइट बिटुमिनस पेवमेंट के लिए देखेंगे, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए देखेंगे, अर्दन रोड के लिए देखेंगे। तो कैम्बर का कितना कितना परसेंट ले सकते हैं ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कैम्बर में। कैम्बर के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विड्थ ऑफ पेवमेंट के बारे में।
तो विड्थ ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखिए। तो विड्थ ऑफ पेमेंट में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि सिंगल लेन अगर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है तो कितना विड्थ प्रोवाइड करना है, अगर हम लोगों ने डबल लेन प्रोवाइड किया है तो कितना विड्थ प्रोवाइड करना है, अगर विथ कर्व प्रोवाइड किया है तो कितना विड्थ प्रोवाइड करना है, विदाउट कर्व प्रोवाइड किया है तो कितना विड्थ प्रोवाइड करना है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे विड्थ ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम लोग क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में ही आगे बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कर्व के बारे में, कर्व के बारे में। जैसे आपको बताया मैंने विड्थ ऑफ पेमेंट में विद कर्व विदाउट कर्व ये सारी चीज़ें बताई, तो अब कर्व के बारे में हम जब बात करेंगे तो कर्व होता क्या है एग्जैक्टली, क्या कर्व का यूज़ है, कितना हाइट का कर्व प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग रोड अलग अलग पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक के लिए क्या कौन कौन से कर्व यूज़ करना है, ये सारी बातें हम लोग कर्व में करने वाले हैं। ठीक है, तो कर्व में जब मैं बात करूंगा तो कर्व में सबसे पहले देखूंगा मैं कि जो जैसे माउंटेनियस टाइप कर्व है, सेमी बैरियर टाइप कर्व है, ठीक है, लो कर्व है या बैरियर टाइप कर्व है, क्या हाइट प्रोवाइड करिए, जैसे किसी के लिए 10 सेंटीमीटर प्रोवाइड करिए, किसी के लिए 15 सेंटीमीटर प्रोवाइड करिए, तो ये कैसे और कहाँ प्रोवाइड करना है। और जब कर्व प्रोवाइड करते हैं हम लोग कैरियज वे पे और शोल्डर के जो सेपरेशंस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको कर्व बोलते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कर्व को स्पेसिफिकली, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज आगे आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, कर्व के बाद हम लोग बात करेंगे विड्थ ऑफ रोडवेज के बारे में। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड के बारे में बोल दूँ या विड्थ ऑफ रोडवेज रोडवे के बारे में बोल दूँ या राइट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बोल दूँ, सारी चीज़ें एक ही है। तो मैं बोलूँगा अगर विड्थ ऑफ रोड के बारे में बात करूँगा तो विड्थ ऑफ रोड इज कि कितना विड्थ प्रोवाइड करना है पूरी रोड पे, है ना, इंक्लूडिंग मीडियम, इंक्लूडिंग विड्थ ऑफ पेमेंट ऑफ बोथ द साइड्स, है ना। तो ये सारी बात हम लोग बात करने वाले हैं विड्थ ऑफ रोडवे में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग विड्थ ऑफ रोडवे हो गया, यहाँ पे पेमेंट हो गया, कर्व हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए जब हम लोग बात करेंगे इसमें हाईवे इंजीनियरिंग में, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में जो हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन में, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन के बारे में। तो साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन में हम लोग देखेंगे कि साइट डिस्टेंस में कि कितना मिनिमम साइट प्रोवाइड करना है। ठीक है, साइट डिस्टेंस अलग अलग कंसिडरेशन, कितना मिनिमम साइट हम लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, वो सारी बातें करने वाले हैं साइट डिस्टेंस में कि कितना साइट प्रोवाइड करूं मैं कि गाड़ी आपका स्मूथली रन करता रहे। तो देखिएगा जरा साइट डिस्टेंस कंसिडरेशन में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला जो साइट डिस्टेंस में बात करूंगा मैं बोलूंगा स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस के बारे में, SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में मैं बोलूंगा क्या वो मिनिमम लेंथ बताइए कि विदाउट कोलिजन किसी भी ऑब्जेक्ट से विदाउट कोलिजन वो मेरा व्हीकल वहां पर जाके रुक जाए। ठीक है, वो मिनिमम लेंथ चाहिए मुझे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे SSD में। SSD के डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे कि जब मेरा सिंगल व्हीकल मूव हो रहा है, सिंगल लेन पे एक व्हीकल मूव हो रहा है, अगर सिंगल लेन टू वे मूवमेंट हो रहा है, वन वे मूवमेंट हो रहा है, डबल लेन टू वे मूवमेंट हो रहा है, डबल लेन वन वे मूवमेंट हो रहा है, तो इन सारी कंडीशंस के लिए क्या क्या SSD का रिक्वायरमेंट है वो सब हम लोग डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और SSD का जो वेटेज है गेट के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा होता है। SSD पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ कैम्बर पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे अगर गेट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगा तो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मैं आपको बताते जाऊंगा अलग अलग पार्टीशंस में कि किस एग्जाम में किस पॉइंट पे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा SSD के हम लोग बाद में बात करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी एक अच्छा टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो मिनिमम लेंथ बताइए दो व्हीकल के बीच में कि एक स्लो मूविंग व्हीकल है और एक फास्ट मूविंग व्हीकल है, तो उस फास्ट मूविंग व्हीकल को कितना मिनिमम लेंथ चाहिए कि इस स्लो मूविंग व्हीकल को वो ओवरटेक कर ले, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में अगर ये एक मिनिमम लेंथ चाहिए ओवरटेक करने के लिए, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को बिना कोलिजन के रोकने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या रोल प्ले कर रहा है, इंटरमीडिएट पार्ट क्या प्ले कर रहा है, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में, या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना टाइम से छोटा है या बड़ा है SSD से, तो ये सारी बात हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस में। ठीक है, तो साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के बाद नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग पार्टीशन करें हैं, तो नेक्स्ट पार्टीशन में हम लोग देखेंगे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन के बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सबसे गेट के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सुपर एलिवेशन, दैट इज सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुपर एलिवेशन में। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन एग्जैक्टली क्यों प्रोवाइड किया जाता है, जब मैं आपको बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है, अगर मेरा व्हीकल इस पर मूव हो रहा है तो कैसे सेफली मूव होगा, ये सारी बातें मैं सुपर एलिवेशन में करूंगा। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन जैसे आपको सुपर एलिवेशन का बताऊं तो सुपर एलिवेशन का बेसिक डेफिनेशन बोलता है कि आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, सुपर एलिवेशन का बेसिक डेफिनेशन बोलता है अगर आपने आपके इनर एज और आउटर एज, पहले दोनों हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में थे, इनर एज और आउटर एज में विद रिस्पेक्ट टू इनर एज अगर आप आउटर एज को रेस कर देते हो, ठीक है, तो जो एंगल प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम लोग सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सुपर एलिवेशन के अलग अलग केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर मैं फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो कंसिडर करूं तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के टाइम पे क्या रिएक्शन होगा टायर ए पे क्या टायर बी पे, क्या वो इक्वल होंगे या वो अनइक्वल होंगे, ये सारा चीज हम लोग डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं सुपर एलिवेशन में। ठीक है, सुपर एलिवेशन मैंने आपको बताया, गेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो गेट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन के बाद हम लोग बात करेंगे जैसे ट्रांजिशन कर्व के बारे में, ट्रांजिशन कर्व के बारे में। अब ट्रांजिशन कर्व जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे बोलूंगा जैसे ट्रांजिशन कर्व के बारे में जब बात करेंगे तो ट्रांजिशन कर्व कहां प्रोवाइड किया जाता है, तो एक बेसिक बताता हूं मैं आपको, ट्रांजिशन कर्व जब हम लोग स्ट्रेट कर्व की बात करें, जब सर्कुलर कर्व की बात करें, स्ट्रेट कर्व मैंने बोला है मतलब समझ रहे हो आप, स्ट्रेट रोड बोलता तो भी आप समझ जाते, स्ट्रेट कर्व बोला तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि उसकी रेडियस इन्फिनिटी होगी, है ना, ये बहुत सारा सारा लोकल जो मतलब नॉर्मल डाउट हो सकता है किसी भी स्टूडेंट को वो बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे आर मैंने बोला स्ट्रेट कर्व के बारे में मतलब रेडियस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है मतलब स्ट्रेट रोड है। ठीक है, और एक सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस कुछ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो इन दोनों को अगर मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूं, एक स्ट्रेट कर्व और एक सर्कुलर कर्व को, तो जो भी मेरा ड्राइवर ट्रैवल कर रहेगा स्ट्रेट कर्व से सर्कुलर कर्व में उसको एक सडन जर्क फील होगा, तो उस जर्क को अवॉइड करने के लिए जो मैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता हूं उसको मैं बोल देता हूं ट्रांजिशन कर्व, उन दोनों कर्व के बीच में जो एक कर्व प्रोवाइड करता हूं उसको मैं बोल देता हूं ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन कर्व का एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है हम लोग, इस पे भी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ट्रांजिशन कर्व में एक और चीज पूछी जाती है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कितना रखना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की बात जब भी होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों ट्रांजिशन कर्व को यूज किया गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन, कि अगर आपको रोड पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको ट्रांजिशन कर्व का नीड है। मैं बोलूंगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को कम करने के लिए जो भी सारा बात होगा वो मैं सारी बात करूंगा आपसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स में बात करूंगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे, कर्व को मैं आपको इनर एज के अबाउट रोटेट करेंगे, आउटर एज के अबाउट रोटेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का क्या इंपैक्ट है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने में, क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज किए जाते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने में, तो ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन कर्व्स में। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व के बाद हम लोग बात करेंगे इसमें सेटबैक डिस्टेंस के बारे में, सेटबैक डिस्टेंस के बारे में। अब सेटबैक डिस्टेंस समझिए क्या होता है, तो सेटबैक डिस्टेंस मैं बोलूंगा जब मैं आपसे सेटबैक डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं आपसे बोलूंगा कि सेटबैक डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस, या मैं बोल दूं जैसे आपको एक डायग्राम एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं मैं यहां पर कि ये मेरा कोई भी एक कर्व है, ये मेरा कोई भी एक कर्व है। ठीक है, इस पे जब मैं बात करूंगा कि ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मैंने इस सेंटर के इनर लाइन से, इस पेवमेंट के इनर लाइन से बना रखा है, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, इन दोनों यहां से कोई व्हीकल मूव हो रहा है, यहां से कोई व्हीकल मूव हो रहा है और यहां से सेंटर लाइन से बात कर रहा हूं मैं, तो अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहां से लेके यहां तक इस ऑब्जेक्ट तक क्या मिनिमम डिस्टेंस एम हो, क्या वो मिनिमम डिस्टेंस एम हो कि मेरा व्हीकल सेफली रुक जाए अगर कोई दूसरा व्हीकल को देख रहा है। ठीक है, तो उस मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेटबैक डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर होना चाहिए सेंटर लाइन से, है ना, पेवमेंट के सेंटर लाइन से कितना दूर होना चाहिए वो सब देखेंगे हम लोग सेटबैक डिस्टेंस में। ठीक है, सेटबैक डिस्टेंस के बाद हम लोग बात करेंगे
सेटबैक डिस्टेंस के बाद हम लोग देखेंगे जो फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स में, दैट इज वर्टिकल वर्टिकल अलाइनमेंट्स। ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट जब बात करूंगा मैं आपसे, वर्टिकल अलाइनमेंट को मैं आपको दो पार्ट में ब्रेक करके दिखाऊंगा। वर्टिकल अलाइनमेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे, देखिएगा एक बार, पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेडियंट्स के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में, और सेकंड बात करेंगे हम लोग समिट के बारे में, ग्रेडियंट के बारे में या कर्व के बारे में। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट क्या होते हैं और कैसे कैसे प्रोवाइड करे जाते हैं, किन किन टाइप्स में ग्रेडियंट को डिवाइड किया गया है, तो मैं बोल रहा हूँ अलॉन्ग द रोड जब हम लोग राइज करेंगे। अभी जब मैंने आपसे सुपर एलिवेशन बोला था तो मैं आपको बताऊंगा कि सुपर एलिवेशन और ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होता है, ग्रेडियंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, अलॉन्ग द रोड प्रोवाइड किया जाता है या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ हम लोग ग्रेडियंट में देखेंगे। तो देखिए ग्रेडियंट को कैसे कैसे ब्रेक करूंगा मैं, ग्रेडियंट में आपसे सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे लिमिटिंग ग्रेडियंट। ठीक है, लिमिटिंग ग्रेडियंट। सेकंड बात करूंगा लिमिटिंग ग्रेडियंट के बाद आपके साथ एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। उसके बाद बात करूंगा मैं आपसे एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के बाद बात करूंगा मैं आपसे मिनिमम ग्रेडियंट। एंड लास्ट जो आपसे बात करूंगा मिनिमम ग्रेडियंट के बाद दैट इज रूलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो कैसे कैसे ये ग्रेडियंट चेंज होते हैं, हम लोगों को कब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, कब रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, कब मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, रोड पे किस अकॉर्डिंग किस किस फैक्टर्स पे ये ग्रेडियंट डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज हम लोग ग्रेडियंट्स में देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि रूलिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कुछ तो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, तभी हम लोगों ने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है या चार कैटेगरी में टोटल ग्रेडियंट्स को डिवाइड कर रहा है, तो ये सब कुछ हम लोग उसी टाइम पे देखेंगे। ठीक है, अब मैं कर्व्स में आपके साथ बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कर्व को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। फर्स्ट इज समिट कर्व देखेंगे हम लोग, समिट कर्व को एक और नाम से जैसे जाना जाता है, समिट कर्व को एक और नाम से जाना जाता है आपका क्रेस्ट कर्व। ठीक है, समिट कर्व को क्रेस्ट कर्व, और नेक्स्ट जो है आपका वैली कर्व और सैग कर्व। ठीक है, अब जब हम लोग मैं बात करूंगा आपसे कर्व्स की बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कर्व्स कैसे प्रोवाइड करे गए रोड पे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, मैंने बोलूंगा जब हम लोग कर्व्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो अलग अलग ग्रेडियंट्स के रोड्स को हम लोग मिलाएंगे और जो उनका कैसे ये कर्व फॉर्म हुआ। ठीक है, कब कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड रहना चाहिए, कब कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड रहना चाहिए, ये सारा चीज हम लोग कर्व में बात करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा ये एक समिट कर्व है, ये एक वैली कर्व है, तो ये कैसे डिपेंड करता है और कौन कौन से एंगल्स पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा समिट कर्व और वैली कर्व में। सिमिलरली जैसे वैली कर्व में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम लोग रोड डिजाइन करते हैं तो कौन कौन से क्राइटेरिया कंसिडर करेंगे जब हम लोग वैली कर्व बना रहे होंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं कंफर्ट कंडीशन की बात करेंगे कि ड्राइवर का कंफर्ट कैसा है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं वैली कर्व में। तो देखिए जैसे मैंने ये पूरा आपको बता दिया कि ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पढ़ेंगे हम लोग रोड की पेवमेंट की, तो मैं आपको बताऊंगा हाईवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को कैसे एक एक पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा और किस टॉपिक का कितना वेटेज है और उस टॉपिक पे बेस्ट क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आने वाले हैं वो सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना वीडियो लेक्चर का सीरीज में स्टार्ट करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से। थैंक यू सो मच।